आज समाजसेवी अन्ना हजारे के जन सत्याग्रह आंदोलन का तीसरा दिन है और ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अब धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है ये खाली तस्वीर, खाली लोगों की तस्वीर, खाली पंडाल की तस्वीर, क्योंकि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं जो जन सैलाब आना चाहिए था, जो हमने 2011 में देखा था, वो जन सैलाब अब इस अन्ना आंदोलन में दिखाई नहीं देता है। ये पंडाल की हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो ये इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ तक लोग हुआ करते थे और ये जो पूरा पंडाल था ये भरा हुआ था। तकरीबन 3,000-4,000 लोग इसमें पहले दिन शामिल थे, मगर दूसरे दिन भीड़ कम हुई और अगर तीसरे दिन की आज बात करें तो 500-600 लोग ही इस जन आंदोलन में रह गए हैं। सामने की आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो तिरंगा हाथों में लिए लोग हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर किसान आए हुए हैं और अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो भी कम हो रहे हैं। हालांकि अन्ना का ये मानना है कि धीरे धीरे लोग और बढ़ेंगे। वहीं उनकी टीम का ये कहना था कि कई जो बॉर्डर्स थी दिल्ली पर आने वाली, वहाँ पर जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे थे, अन्ना समर्थक आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया था। फिलहाल अन्ना मंच पर मौजूद है और भाषण भी दे रहे हैं, लोगों से वार भी कर रहे हैं कि आपको डटे रहना है। और 50-60 यहाँ पर किसान जो है वो भी अन्ना के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अन्ना का आंदोलन और कितने दिन तक चल पाता है, क्या सरकार अन्ना की कोई मांगे मानती भी है या नहीं।